الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وقال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله صدق الله العظيم

जहाँ तक अल्लाह के पैगम्बर आलम के जिक्र का मामला है तो सच्ची बात यह है कि ये किसी एक दिन या कुछ घड़ियों या एक महीने या ख़ास किसी मौके का मामला नहीं अल्लाह ताला खुद फरमाता वरफ़ान का जिक्र रख कभी आप की खातिर हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया अलबतः बहरहाल इस नस्बत से महाफिल का इनका होता है और नबी अक्रमलाम की फला बयान की जाती है आपकी तारीफ़ बयान की जाती है और नात रसूल मकबूल सल्ला व्म के नजराने पेश किए जाते हैं बाज़ मरतबा कुछ ऐसे अमाल भी होते हैं कि जिससे किसी फिकर के केमा को इतफाक़ नहीं है मिसाल के तौर पर चोरी की बिजली इस्तेमाल करके चिराग करना या इस कदर ज़ोरदार अंदाज़ से इस्पीर्स का इस्तेमाल करना कि लोगों की नींद ख़राब हो और लोगों की इबादात में ख़लल वाक़ हो जाए या हराम के माल को इस्तेमाल करके लोगों को खाना खिलाना और समझना के बड़ा खैर का काम हो रहा है या इस अंदाज से रसोल्लाम की शान बयान करना नात के अशार में कि जो बाजारी किस्म के अल्फा हो इसको मोहब्बत की बाजारी किस्म की हरकतें और दास्तानी और अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाएं ये तो न बेअदबी का पहलू है यानी इन हरकतों से तो किसी साहेब इल्म को किसी भी मकतब फिक्र के वो हों इतफ़ाक़ नहीं हो सकता अलबत् इस बात पर सबका इतफ़ाक़ है कि रसोल आलम का जिक्र खैर होना चाहिए आपकी नात बयान होनी चाहिए आपकी तारीफ बयान होनी चाहिए आपका जिक्र खैर करते हुए फिर आपकी सीरत का बयान भी होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का तस्करा आना चाहिए अगर इन मौाक़ पर इन मजालस में ये बात पेश नज़र है कि अल्लाह के रसूल से महब्बत में इजाफा हो अल्लाह के रसूल आसमाम के जो हम पर एहसानात हैं उनका हमें इदराक हो और हजूर की महब्बत हमारे दिलों में बढ़े और इससे आगे बढ़कर हजूर की महब्बत का तकादा कि हजूर की इताद की जाए सल्म इतबा भी की जाए और आपके मिशन को इख्तियार करने की कोशिश की जाए तो ऐसी मन जाए वो मुबारक है लेकिन इसके बरकस मामला यह हो कि बिदात का इजाफा हो फूलियात का इजाफा हो खुराफात का इजाफा हो माले हराम को खर्च करके को समझे अजर सवाब का बाईस है और आन रसूल आलम की तलीमत के बरखिलाफ़ कोई अमाल इख्तियार किए जाएँ तो जाहिर बात है कि यह अल्लाह के गज़ब को दावत देने की बात और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी मोल लेने वाली बात होगी अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए अब बहरहाल छुट्टी का दिन भी है जुमे का मौका भी है इसी नस्बत से आज कलाम करना मकसूद है हमारे उस डॉक्टर इसराज साहब रहमत आमती नुकता ही बयान किया कि जब अल्लाह के पैगम्बर आल का जिक्र करने हम बैठे तो बड़े अदब का और अदब के मामला को पेश नजर रखने की ज़रूरत है मिसाल के तौर पर हम किसी इंजीनियर की महारत पर कलाम करना चाहें तो कम से कम वो बंदा हो ना जो खुद इंजीनियर हो एक डॉक्टर से कहें कि वो इंजीनियर की महारत पर कलाम करे तो गलत बात है ना इसी तरह किसी डॉक्टर की महारत फिर उसकी डिफरेंट फील्ड्स होंगी खास स्पेसिफिक फील्ड और डिसिप्लिन का मामला हो तो एक डॉक्टर की महारत पर कलाम करने के लिए कम से कम कौन होना चाहिए कोई डॉक्टर तो हो अब बात को आगे बढ़ा लें किसी नबी के मकाम पर कम से कम कौन कलाम करे नबी तो हो और इमाम लंबिया की बात आ जाए तो है अब बहुत बड़ा सवाल या निशान हम बात करने चलेंगे तो बेअदबी का भी इम्कान है कहीं हमारी कम इलमी भी आड़े आ जाएगी तो बेहतर है कि जिस जात ने अपने पैगंबर को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम को अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजा उस ताला ही से पूछें और उसके कलाम से मालूम करें कि उसने अपने पैगम्बर की शान कैसे बयान की अपने पैगम्बर का जिक्र कैसे किया और फिर हमारा अगर बयान हो तो अल्लाह के बयान के ताबे रहकर अल्लाह की किताब के ताबे रहकर तो इसी में खैर होगी वरना जैसे एक डॉक्टर एक इंजीनियर पर कलाम करने बैठेगा तो गलत सलत बात करेगा एक आम आदमी किसी पैगम्बर पर कलाम करने अपनी अकल से बैठेगा तो गलत बात करने का इम्कान मौजूद है इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के पैगाम अल्लाह के कलाम कुरानी हकीम को सामने रखकर अब साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें तो इसी में खैर और आफियत होगी चुनाच इसी नस्बत से चंद कुरानी का तस्करा मेरी और आपकी याद दहानी के लिए भी और इस नीयत से भी कि अल्लाह मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी अमल का जज्बा बेतार करे ये भी याद रहे सीरतुलनबी की सबसे पहली किताब खुद कुरानी हकीम है सीरतुलनबी की सबसे पहली जाम तरीन मुस्त तरीन लिविंग बुक अगर है तो वो खुद अल्लाह की किताब कुरान हकीम है इसी लिए हजरत आयशर रदी अल्लाह जब पूछा गया कि अल्लाह के पैगम्बर के अखलाक क्या है तो आपने फरमाया कि कान कानक हुल कुरान अल्लाह के रसूल के अखलाक तो कुरान है तुम तो कुरान अल्फाज में तिलावत करते हो कुछ के पास लिखा हुआ मौजूद है कुछ तिलावत कर रहे हैं कुरान मुजस्म देखना हो कुरान चलता फिरता देखना हो कुरान अमल में देखना हो कुर करीम एक्शन में देखना हो तो मोहम्मद की बारकत में देख लो अल्लाह तुम पर अपनी रहमत और बरकतों का नजूल फरमाए और हमें हजूर की सच्ची मोहब्बत और हजूर की इताद और हजूर की इतबा और हजूर के मिशन में शामिल होकर उनका साथ देने की तोफीक अता फरमाए चंद आयात कुरानी की रोशनी में हुजूर से हमारे ताल्लुक़ के कुछ पहलू भी और हुजूर की शान अल्लाह ताला कैसे बयान फरमाता है और हुजूर की ज़िम्मेदारियों को अल्लाह ताला कैसे जिक्र फरमाता है और हुजूर के मिशन को अल्लाह ताला कैसे जिक्र फरमाता है और उसमें मेरे और आपके लिए रहनुमाई क्या है और मुझसे और आपसे मुतालबा अल्लाह ताला का क्या है ये चंद शयात की रोशनी में हम जानेंगे कुरानी करीम में सूरह अहसाब की आयत नंबर छे में अल्लाह तरमायाबी सलामान के नजदीक उनकी मुकदम है एक ताबीर यह भी की गई बड़ी दिलचस्प है बड़ी दिल के कानों से सुनने वाली है हम पर हमसे बढ़कर अल्लाह के रसूल का इख्तियार है हमारी ज़ात पर हमसे बढ़कर अल्लाह के रसूल का इख्तियार है वो हमसे जो तकादा करें उस पर अमल किया जाए ये भी इसकी तर्जमानी की गई बहरहाल नबी सलाम ईमान वालों के नजीक उनकी जानों से बढ़कर मुकदम है गुजस्तर खिताबे जुम्मा में सालों से अहदीस का भी जिक्र आया था जिन, जिनका हासिल यह है कि जब तक हमें हमारी जान से बढ़कर अल्लाह के पैगम्बर से मोहब्बत ना हो हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता अलबत् तराजू हमारे सामने रखता है हुबे रसूल को जांचने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हवाला पिछली मरतबा भी आया था मगर उसका एक नुकता आज मैं अर्ज़ कर रहा हूं आपके सामने या दिहानी के तौर पर सूर तोबा की आयत नंबर चौबीस है अल्लाह आठ मोहब्बतें एक तरफ और तीन मोहब्बतों का जिक्र एक तरफ फरमाता है कुल इनका न आबाक व व व व अबनाशीर ए नबीमे इससे फरमाइए लोगो तो अगर तुम्हें तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे रिश्तेदार ये पांच रिश्ते हैं वह अब वाल तुम हा व तक व मसाकिन तरद और वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाए वो मकाना वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें अंदेशा रहता है और वो मकाना तो महल्ला जो तुम्हें बड़े महबूब हैं पांच रिश्ते और तीन महब्बतें माल तिजारत, मकानात की अहब्बरल्ह व रसूल ही व जिहादी सबीर ही अगर ये आठ यन से कोई महब्बत तुम्हें ज्यादा महबूब तर है अल्लाह तला की महब्बत से और अल्लाह के रसूल आल्लम की महब्बत से और अल्लाह तला के राम जिहाद करने की महब्बत से फिर एक धमकी अल्लाह ताला की तरफ से तो जाओ इंतजार करो हत्ता हता अल्लाह भी अमरीन यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए मौत या आदाब का वल्लाहु ला कौम अल फासकीन और अल्लाह ताला ऐसे फासिक को हिदायत नहीं देता एक तराजू हमारे बात में हम लगाए उस तराजू के दो पलड़े हों और एक पलड़े में आठ मोहब्बतें हों और दूसरे पलड़े में ये तीन मोहब्बतें हों अल्लाह और अल्लाह के रसूल अली सलाम और अल्लाह के राम जिहाद की मोहब्बत देख लें अगर पहला पलड़ा भारी है कोई माल की मोहब्बत घर वालों की मोहब्बत रिश्तों की मोहब्बत तिजारत की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत कुर्सी की मोहब्बत फेम की मोहब्बत अकतदार की मोहब्बत शोहरत की मोहब्बत अगर ये पलड़ा भारी है जाओ इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आने वाले फैसले का मौत याद आपका और ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं मिलती और अगर दूसरा पलड़ा भारी है नूरन आला नूर फहूअल मतलूब वही मतलूब है वो पलड़ा कौन सा है अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल आल सलाम की मोहब्बत और अल्लाह की राह में जिहाद की मोहब्बत ये नुकता आज हम दोहरा रहे पिछली मरतबा रह गया था अल्लाह तला की मोहब्बत यह कल्ब का मामला है माथे पे लिखा नहीं होगा कि अल्लाह से मोहब्बत करता है कोई मेडल नहीं लटका हुआ लिस्ट पर लिखा होगा या सर्टिफिकेशन के अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सर्टिफाइड कोई माथे पर नहीं लिखा होगा यह रसूल्लाह से मोहब्बत करता है सल अला कोई सर्टिफिकेट नहीं लटका होगा गले के अंदर या फ्रेम करके आपके मेरे घर में नहीं लगा होगा सर्टिफाइड रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला नो व जिहाद इन फीस अभी ही। और अल्लाह के में जिहाद की मोहब्बत जिहाद एक मुस्तकिल अमल है जोहद कोशिश से अल्लाह की बंदगी के लिए जिहाद है गुनाहों से बचने के लिए जिहाद और मेहनत है अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए जिहाद है अल्लाह के दीन की तब्लीग करने के लिए जिहाद है अल्लाह के कदमे की सरबलंदी के लिए जिहाद है और कभी उसमें टकराव का मरल आए तो कताल के में अपनी शराइत के साथ ये मुस्तकिल पूरा एक प्रोसेस है जिहाद का अमल और ये चौबीस घंटे का अमल है ये जिहाद का अमल बताएगा अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मर्जी पर अमल और अल्लाह की मर्जी को जारी रखने और कायम करने की जिद्दोजहद होगी अल्लाह से मोहब्बत होगी बंदा गुनाहों को छोड़ेगा अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा और अल्लाह के नाफरमानी को मिटाने के लिए जिद्दोजहद करेगा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी तो जिहाद का अमल बताएगा वो मेहनत करेगा रसोल्ला की सुनतों पर अमल की रसोल्लाह के मिशन को थामने की सलम रसूलुल्लाह रसूल्लाम जिस दीन को लाए उसके निफास की जिद्दोजहद करेगा रसूलुल्लाह जिन मुनकरात को मिटाने को आए उनको मिटाने की जिद्दोजहद करेगा ये जिहाद का अमल बताएगा माथे पे लिखा हुआ नहीं होगा कुछ गले में कोई लटका हुआ नहीं होगा मेडल वगैरह या सर्टिफिकेट ये जिहाद का अमल बताएगा ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है ये जिहाद का अमल बताएगा ये रसूल आलम से मोहब्बत करने वाला है तो मोहब्बत सबूत मांगती मोहब्बत सबूत मांगती रसूल से मोहब्बत का दावा है तो जिहाद का अमल करना होगा अल्लाह की बंदगी के लिए जिहाद अल्लाह की बंदगी की दावत देने के लिए जिहाद और अल्लाह की बंदगी पर मबनी निजाम को नाफिस करने के लिए जिहाद आज उम्मत भूली हुई आज तो हमें शॉर्टकट चाहिए ना जी ऑनलाइन जन्नत मिल जाए किसी तरह माले हराम ही सी क्यों ना हो इतने भूखों को खाना खिला दो और चार तस्वीरें हमारी खिंच जाए जन्नत हमारी पक्की हो जाए हराम जहन्नम में ले जाने वाला जन्नत में ले जाने वाला नहीं हराम अल्लाह के रसूल के अदीस से वाज तौर पर मुस्लिम शरीफ की रिवायात में सस्ती नहीं है अल्लाह की जन्नत तो ये जिहाद का अमल बताएगा कि अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं और ये जिहाद का अमल बताएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है या नहीं है इसी तरह अल्लाह ताला कुरानी हकीम मशहूर मारूफ आयत है सूरतुल आहजाब आयत नंबर इक्कीस जहां अल्लाह तला नेत फरमाया लकद कान लकुमी रसूल हसना यकीन तुम्हारे लिए रसूल सल्लाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है आगे शर्त भी है रिमन कान अर वाल आखिर वह अल्लाह तेरा किसके लिए उस वाह में नमूना है और किसको फायदा मिलेगा वाकआता जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो कसरत से अल्लाह सुबहान जिक्र करता हो अल्लाह को मुंह दिखाना है ना इसका यकीन है कि नहीं अल्लाह के सामने पेश होना है इसका यकीन है कि नहीं आखरत असल मंजिल है इसका यकीन है कि नहीं ये यकीन कहते है, मैं नंबर एक पर मोहम्मद और अलैहि वसल्लम को लेकर आया वो नहीं कहेगा रसूलुल्लाह उसने मैन कहा या पर्सन कहा प्रॉफिट नहीं कहा मगर फायदा क्या हुआ किताब छप गई दर्ज से और गैर मुस्लिम क्या मुसलमान भी कोट कर रहे हैं असल फायदा नहीं होगा अगर वो ईमान आला है मोहम्मद और रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम ईमान वाले महज हजूर से मोहब्बत का दावा करें और हुजूर की जिंदगी को इख्तियार करने की हद तर इमकान कोशिश ना करें उनके उस्वा को अपनाने की कोशिश ना करें तो माफ कीजिएगा तारीफें हम कर लेंगे मजालिस हम सजा लेंगे प्रोग्राम्स हम कर लेंगे कॉन्फ्रेंसिस हम कर लेंगे कुछ खैर के जाहरी आमाल भी हम कर लेंगे उसवा से फायदा नहीं मिलेगा तो ये प्री रिक्वेस्ट है अल्लाह के सामने हादरी का यकीन आखिर असल मंजिल है इसका यकीन ये होगा तो रसूलुल्लाह के उस से फायदा मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ये मकाम कुरान करीम में आया सूरह आदाब की आयत नंबर इक्कीस ये जेनेरिक भी है उमूम के से भी और ये खुसूस के अतबार से भी है अमूम के अतबार से क्या है जिंदगी के तमाम मामला गोशों के लिए रसूलुल्लाह का उसवा बेहतरीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये यकीन शायद उम्मत को नहीं हम इज्म इजम से लेते हैं तो तरीके फलां से लेते हैं आज पाकिस्तान की मीशत संभल कर नहीं दे रही बड़े बड़े हमारे पास इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं बड़े बड़े पी मौजूद हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हमने खोल कर रखे हुए करोड़ों का बजट वहां पर लग रहे मगर इकोनॉमी संभल नहीं रही अफगानिस्तान में क्या हो गया उनकी करेंसी क्यों स्ट्रांग हो रही क्यों वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट देना पड़ रही क्यों यू ए वाले भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई इकोनॉमी बेहतरीन होती चली जा रही कुछ तो अल्लाह का खौफ उनके दिलों में है ना कुछ तो अल्लाह का तवकुल उनके दिलों में है उन्होंने इस वक्त के दुनियावी मालियात निजाम जो प्रिवेलिंग है उसके बरअक्स जाने की कोशिश की है अल्लाह बरकत दिखा रहे अल्लाह उनको इस्तेमाल अता फरमाए जिंदगी के हर गोशे में रहनुमाई मिलेगी मगर उस यकीन को तो पैदा करें कि लकद हसना। ये अल्लाह फरमा रहा है यकीन तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है तो जिंदगी के तमाम उमूर के लिए मैं और आप एक बाप हों एक शोहर हो बेहतरीन नमूना एक उस्ताद हों बेहतरीन नमूना एक खतीब व बेहतरीन नमूना एक ताजर व बेहतरीन नमूना हाँ उम्मत की औरतों के लिए उस हसन की तकमील होगी अजवाज़ मुताहरात के जरिए और रसोल्लाम की साहिबजादियों के जरिए से क्यों हुजूर मर्द है ना बहरहाल उम्मत में औरतें भी बड़ी तादाद में तो हुजूर के कई निकाह जो हुए उनमें एक हमत भी ये है कि निजी जिंदगी घर की जिंदगी उम्मत के सामने आ जाए हम अपने माँ बाप से बढ़कर हजूर को जानते सल्लाम हम अपने माँ बाप से बढ़कर हजूर की अदाओं को जानते हैं या जान सकते हैं अगर एक अमल भी अल्लाह के पैगम्बर ने जिंदगी में एक मरतबा किया है उसकी बहुत मारूफ मिसाल है अल्लाह के रसूल ने क्या कभी शलवार या पजामा इस्तेमाल फरमाया तो मारूफ बात है कि तहबन इस्तेमाल फरमाया मगर पजामा खरीदा है रसूल ने और तहसीन भी फरमाई आखिरी हयात तय्यबा के आखिरी अयाम की बात है नहीं मारूफ बात। एक मरतबा ये अमल हुआ हजूर की जिंदगी में और ये मुस्ंद रिवायत से हम तक मुंतकिल हुआ तो मैं आश करता हूँ जितना हम अपने मां बाप को जानते उससे कई गुना कई टाइम ज्यादा अल्लाह के रसूल को जानते हैं या जान सकते हैं यह है पूरी जिंदगी के तमाम गोशों के लिए और वो मुमलिकत के सरबरा के लिए भी वो फौज के सिब सालार के लिए भी वो अदालत के किसी जज के लिए भी वगैरह वगैरह लेकिन ये आयत किस मकाम पर आई सूर्य आजाब की आयत नंबर इक्कीस है सूरत आजाब इसमें गज व का बयान है कसवे खंदक का बयान है बैटल ऑफ प्रिंस का बयान है जहां रसूलुल्लाह ने खुद भूख और प्यास को बर्दाश्त किया जहां हुजूर ने पत्थर मान दिया अपने पेट पर जहां हुजूर ने कोदारे चलाई जहां हुजूर ने मुश्कत है झेली खंदकों को खेत खोदने की तब अल्लाह फरमाता है लकद कानूफी रसूल उस हसन यकीन तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है आज उम्मत खुश है इधर लगा रहे जनाब लगाइए बहुत अच्छी बात है एक एक लाख का इतर भी आ जाता और छह लाख की छोटी सी शीशी भी आ जाती जो सुन्नत पूरी हो रही है। अमामा शरीर पहनने मुबारक है अच्छी बात है जनाब ब्रांडेड अमामे भी आ रहे हैं दस दस हजार रुपए के सर को ढापने टोपी पहनने बहुत अच्छी बात है अब तो टोपी भी ब्रांडेड और टैग लगी हुई चाहिए इतने हम ब्रैंड कॉन्शियस हो गए बस सुन्नत टोपी अमामे और इतर और मिसवाक और दाढ़ी में रह गई को तारीफ की सुन्नत भी है कि नहीं कोई हिजरत की रात की सुन्नतें भी हैं कि नहीं बदर में उठने वाली तलवार की भी सुन्नत है कि नहीं ओहद में सत्तर सहाबा की जानों के नजरानों की सुन्नत भी है कि नहीं ताइफ में बहता हुआ खून मोहम्मद मुस्तफ़ा का इस कायनात का सबसे मुबारक तरीन खून वसल्लम यह भी सुन्नत में है कि नहीं अहद के मैदान में बहता हुआ खून यह भी सुन्नत में है कि नहीं आज़ाब की भूख और मुशक्क़त और प्यास और कुदालों का चलाना खंदकों का खोदना यह भी सुन्नत में है कि नहीं बस मीठी मीठी सुन्नतें कूल कूल अंदाज वाली सुन्नतें खाने पीने वाली सुन्नतें पेट भर भर के ठूसने वाली सुन्नतें किसी के दस दिन का मामला खाने पीने में निकल जाता है किसी के बारह दिन का मामला खाने में नहीं पीने में निकल जाता है रहा सा मामला कोई कॉन्फ्रेंस कर लो कोई ये कर लो कोई मजलिस मुनद कर लो खा लो पी लो और उसके बाद घर चले जाओ बस यहीं तक सुन्नत रह गई अल्लाह कहते लकत लकुम फी रसूल उसवत हसना यह आयत नंबर इक्कीस है सूर आदाब की इससे पहले भी एक रुकू इसके बाद भी एक रुकू रुकू नंबर दो रुकू नंबर तीन सूर्य आदाब यादा बैटल ऑफ रिंच के मौजू पर इसके दरमियान में आयत आ रही है कोई तो रेफरेंस ऑफ टू द देखो भाई कुछ तो सिया को को देखो किस मकाम पर यह अल्लाह तला आयत करीमा नादिल फरमा रहा है उसको फरामोश करके चंद अच्छा देखिए कोई अदा हजूर की कम कम छोटी नहीं होती कोई सुन्नत छोटी नहीं होती ये गलत जुमला है कि फला सुन्नत छोटी गलत हम हर सुन्नत की कदर करते हैं और हतल हत इम्कान अमल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए मगर तेईस बरस को भी तो देखो ये तेईस बरस किस काम में लगे अल्लाह के पैगंबर की ये आयत आ किस कॉन्टेक्स्ट में रही है वो पूरा पैकेज तो सुन्नत का सामने रखना चाहिए ना भाई अल्लाह ताला मुझे और आपको हमें तोफी अता फरमाए अच्छा ये तो आयत जेनरिक है अमूम के एतबार से है और खसूस के से भी है, लकत लिए की में है। फिर ताला दो असलाहत पाक में लाता है एक इता की लाता है और एक इतबा की लाता है इसी को और अल्लाह तुद खोलता है ग्यारह मरतबा कुरान पाक में है सूर्य तगाबन की आयत नंबर बारह में भी बात आई अति

ये खुला सुन्नत का इनकार करने वाले लोग सिरे से अहादीस की अथॉरिटी को इनकार करने वाले लोग जो कहते कुरान हमारे लिए काफी अल्लाह कहते हैं ना मेरी इताद भी लाजिम मेरे रसूल की इताद भी लाजिम और अल्लाह फरमाते मेरे रसूल की इताद लाओगे तो मेरी इताद होगी मसलन ये मिसाल पहले भी आती रही है सादा मिसाल है अल्लाह का हुक्म नमाज कायम करो अकीीब उसलाह बार बार आता है कुरान पाक तो नमाज का तरीका नहीं बताता रकतों की तादाद भी नहीं बताता कहीं लिखा है कि जोहर के चार कुरान पाक में लिखा है मगरब के तीन कहीं नहीं लिखा ये तो पैगंबर बताएंगे की हदीस में सल्लु सल्लाह के नमाज ऐसे अदा करो जैसे मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो तो अल्लाह का हुक्म भी लादिम और अल्लाह के रसूल का हुक्म भी लादि सल्लाम इसी को अल्लाह एक और अंदाज से बयान फरमाता है हुजूर की अथॉरिटी के ताल्लुक से सूरह सात में माँ आता कुमर रसूल फखलू व मा नहांत रसूल जो तुम्हें दे मुरा हु और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ अल्लाह भी हुम देता है अल्लाह के रसूल भी हुक्म देते हैं और सुने अल्लाह भी हल हराम के फैसले फरमाता है अल्लाह के रसूल भी हल हराम के फैसले फरमाते सल्लाम अल्लाह ने अथॉरिटी दी अपने पैगम्बर को यह सूरह आराफ की आयत नंबर एक सौ सत्तावन में है नापाक चीजों को हराम करार देते। ये अथॉरिटी अल्लाह ने अपने पैगम्बर को दी और हाँ अल्लाह के पैगम्बर ये अथॉरिटी अल्लाह की वही के मुताबिक पाक में है सूर्य नजम आयत नंबर तीन और चार में मा नबीम अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से कुछ इर्शाद नहीं फरमाते जो इर्शाद फरमाते वो अल्लाह तला की वही के मुताबिक होता है तो एक गोशा है उसवा के जेल में इतात वाला ये अक्सर मुताल है डूज एंड डों से जिनको हम आहकाम कहते हैं ये करने का हुक्म है करना ही पड़ेगा ये ना करने का हुक्म है इससे रुकने का हुक्म है रुकना ही पड़ेगा शराब है मना कर दिया सूद है मना कर दिया जिना है रोक दिया जुआ है रोक दिया ये है आहकाम ये तो ऐसे है कि जैसे अगर एक बच्चे का सौ नंबर का पेपर हो और चालीस नंबर उसने हासिल करने कम अज कम इससे कम पर तो पास नहीं हो सकता ये चालीस नंबर का मामला है भाई का मैदान फोर्टी परसेंट का है ये मिनिमम है हम बड़े आराम से कहते हैं अगर ये ना करे तो क्या होगा अगर बच्चा ये कहे कि अब्बा मैं चालीस नंबर की तैयारी करके जा रहा हूं तो बताइए क्या होगा क्या करेंगे आप और मैं बच्चे के साथ ये मुझे भी मालूम है आपको भी मालूम है क्या ख्याल है कल आपका मेरा बेटा कहे कि परसों मेरा एग्जाम है और मैंने 40 सितंबर की अब्बा ईमानदारी के साथ तैयारी कर ली क्या करेंगे आप उसके साथ मुझे भी पता है आपको भी पता है क्या हम ये अल्लाह के दीन के मामले में नहीं कर रहे हैं? मुफ्ती साहब ये फला चीज फर्ज तो नहीं है ना ये फला हुक्म हमारे लिए तो नहीं है ना इस पर जकत तो नहीं लगती है ना यही तो पूछते हैं आजकल तो अल्लाह के बंदो ये फोर्टी परसेंट के साथ भी खेल रहे हो आकाम में तो चॉइस ही नहीं जब हुम अल्लाह उसके रसूल का आ गया सूर अहज़ाब की आयत छत्तीस में तफसी आई के मां का ना लहम्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हुक्म दे दे अभिमान वाले के पास चॉइस है ही नहीं बट टू फॉलो दैट लेकिन इतास से आगे एक और मैदान है जिसके लिए कुरान इतबा का लफ्ज भी इस्तेमाल करता है और यह पूरी जिंदगी पर मुहित है और इतबा का मैदान मोहब्बत से मुताक भी है इताद तो करनी ही करनी हुकुम तो मानना ही मानना है दिल आमादा ना हो फजर में नींद तो उठना तो पड़ेगा बिस्तर तो छोड़ना पड़ेगा यह अलग बात है कि आज उम्मत बिस्तर छोड़कर नमाज के लिए आने को तैयार नहीं है ऐसा ही मान है उम्मत का मेजोरिटी का इशा की पांच सफे फजर की एक रह जाती है कैसा हमारा ईमान है कि जो बिस्तर से मुसल्ले पर खड़ा नहीं कर रहा और हम चाहते कि हुजूर की शिफात भी मिले और हुजूर का दीदार भी मिले और जामे कौसर भी मिले और जन्नत भी हमें मिले सुबह अपने ईमान को हम टटोले तो सही यह ईमान बिस्तर से मुसल्ले पर खड़ा नहीं कर रहा यह ताइफ में कहां खड़ा करेगा हमें यह वहद में कहां खड़ा करेगा यह खून क्या पसीना देने को खड़ा नहीं कर रहा हमें खून क्या देंगे हम ये वक्त देने को खड़ा नहीं कर रहा पैगंबर के मिशन के लिए तो जान क्या देंगे गौर तो करें दावा है कि हम मोहब्बत करने बात दावा हैसूल दावा है मोहम्मद करीम के उम्मी सबूत भी तो चाहिए इसका तो इतबाक तो पूरी जिंदगी है और बहुत बड़ा मैदान है एक एक नशे कदम हजूर का एक एक अदा हुजूर की उसकी पैरवी की कोशिश करना खा उसका हुक्म ना हो सहा बड़े प्यारे लोग थे बड़े अजीब लोग थे अनस कहते आन, के रसूल को देखा कि आप सालन में से लौकी हैं तलाश करके खा रहे हैं। तो कहते उस दिन से मुझे लौकी इसलिए पैगम्बर ने चुन चुन के खाया है ये सहाबा हैं और हम क्या हैं बड़ी प्यारी खूबसूरत बात किसने की, की है कड़वी हम में उसबा में क्या फर्क है सहाबा हजूर की एक एक अदा को सुन समझ कर इख्तियार करते थे सहाबा नबी अलैहिस्सलाम की एक, एक एक अदा को सुन्नत समझकर इख्तियार करते थे आज उम्मत नबी की एक एक अदा को सुन्नत कहकर छोड़ देती है फर्ज तो नहीं है ना तो सुन्नत जाएगी कल फर्ज भी जाएगा और फर्ज जाएगा परसों ईमान भी जाएगा फिर अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए तो इत्तेबा के बारे में कुरान कहता है आले इमरान की आयत अमर इकतीस में

पैगम्बर की इतबा का तकाजा करता है इतबा रसूल लाओ तो अल्लाह की मोहब्बत का दावा ठीक है कुन तुम तो अल्लाफी ए नबीन से फरमा दीजिए अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है मेरी इतबा करो मेरी पैरवी करो और बड़ी खूबसूरत बात है बड़ा प्यारा अंदाज है युब अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा वहीं बकुम अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा तुम अल्लाह से मोहब्बत करने चले थे इतबाएं रसूल लेकर आओ तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा अल्लाह फरमा रहा है और याद रखिए ये बात पहले भी आ चुकी अल्लाह भी अपनी मोहब्बत के दावे के लिए इतबा रसूल का तक करता है सबूत मांगता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी महब्बत के दावे के लिए सुन्नत की पैरवी का मुतालबा करते हैं जाम तरमिजी में रिवायत है आपने फरमाया कि मन अहब्बसनती फत अहबनी जिसने मेरी सुन्नत से महब्बत की उससे मुझसे महब्बत की वह मन अहबनी का नन्न और जिससे मेरी सुनत से महब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा पिछले जो में बात हो गई है आज फिर दोहरा लेते हैं आपकी मेरी तरजीहात में हुजूर से मुलाकात शामिल है मेरी और आपकी चाहतों में ख्वाहिशात में तमन्नाओं में हुजूर से मुलाकात शामिल है हुजूर का दीदार मिले हुजूर की शिफात मिले हुजूर का के मुबारक हाथों से जामे कौसर अवसर मिले जन्नत में हुजूर का पड़ोस मिले क्या ये आपकी मेरी तरजीहात है और ये ख्वाहिशात कभी आपको मुझे टेंशन में लाती पता नहीं होगा कि नहीं होगा पिछले जुम्मे बात हो चुकी साहबा तो ये टेंशन उनकी थी अल्लाह अकबर कि पता नहीं का दीदार मिलेगा नहीं मिलेगा जन्नत में उनका साथ मिलेगा नहीं मिलेगा यह ख्वाहिशात है हमारी यह तरजीहत है हमारी और अगर यह ख्वाहिशात हैं और यह तमन्नाएं हैं तो मैं तमन्नाओं से नहीं मिलता मन अहब्ब सुनती फ़कत अहबनी वमन अहबनी का नाम जन्ना जिसने मेरी सुनत से महब्बत की यकीन उससे मुझसे महब्बत की और जिससे मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा अल्लाह तला वाक हमें दावे से आगे बढ़कर सबूत दावा पेश करने की तोफीक दे और अल्लाह के पैगम्बर की सुन्नत पर अमल करने की तोफीक दे सन्नत बहुत हैं वो लिबास में हों यह भी हम काइल हैं इख्तियार भी कर बैठे हैं अल्हदिल्ला वो गुफ्तुओं के मामला हों वो अखलाक के मामला हों वो किरदार के मामला हों वो लेन देन के मामला हों वादे को पूरा करने की बात हो वो अमानत की पासदारी हो पूरी सीरत अल्लाह के पैगम्बर की हमारे सामने सल अम्म क्या अच्छा हो हम ये इरादा करें शायद पिछले जुमे भी इजहार मैंने किया था अपने अपने घरों में इरादा करें हम अपने घर में कोई सीरत की किताब का मताला शुरू करें अपने बच्चों को बिठा कर पढ़ाएँ बहुत सारे अच्छे बयान आपको मिल जाएंगे हमारे उत्साद डॉक्टर सरार साहब की तो पूरी पूरी सीरीज है तो नबी के ताल्लुक से उनको भी सुन लीजिए और लोगों को सुन लीजिए कोई एक साल का टारगेट चले रख लें इस साल हम शुरू करें तो अगले साल माहिर रबी रवल से कबल कोई एक तो नबी की किताब का मताला भी और अल्लाह करे कि जो हम सीखते जाए किसी दर्जे में हमारा अमल भी बढ़ता चला जाए ये जो अल्लाह के पैगम्बर पर ईमान का ताल्लुक है ना ये कलब का मामला है जब नूर ईमान इधर हो और हुजूर की मोहब्बत इधर हो और इसके नतीजे में सुन्नत की पैरवी हो तो अल्लाह की कसम उठाकर मैं कहूं कि हम अपनी जात में अपने मामला में अपने घरों में सुन्नत की बरकतों को महसूस करेंगे अल्लाह मुझे और आपको तोफी अता फरमाए खा दाढ़ी की सुन्नत हो ये वो सुन्नत है जो हम कबर में भी लेके जाएंगे ये वो सुन्नत है जो चौबीस घंटे की सुन्नत है और देखना हो तो किसी गैर मुस्लिम को देखे जो रिवर्टेड मुस्लिम है जो ईमान लाला का फौरन दाढ़ी छोड़ देता है इसलिए कहता है कि जिस जात को मान लिया मोहम्मद तो और तो रसूलुल्लाह को मेरा चेहरा भी उन्हीं की तरह होना चाहिए सल्लल्लाहु हो अलैहि वसल्लम दाढ़ी से आगे बढ़कर भी है और अपने गेटअप के अंदर गुफ्तगू में मामला में सोने जागने में इन सब में अल्लाह मुझे भी तौफीक दे आपको भी तौफीक अता फरमाए खतिन मजलिस में शरीक हैं फातिमा जहरा की चादर को इख्तियार करना बीबी फातिमा ने फरमाया कि मेरा जनाजा उठाना रात की तारीकी ही में ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की लखते जिगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इफ़त होती है ये पाक दामनी होती है तब हसन और हुसैन पैदा होते हैं रजी अल्लाह तुम्हा तो हुजूर अम्मा आयशा का लिबास और गेटअप अम्मा आयशा का किरदार बीबी फातिमा का किरदार हुजूर के अजवाज मुतहरात की जिंदगी हुजूर की बेटियों की, की जिंदगी ये उम्मत की औरतों के लिए रोल, रोल मॉडल है अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए और मैं एक बात बड़े दबे अल्फाज में रख दूं कि इस वक्त हमारे माशरे में फहाशी और का सैलाब तो है ही है मीडिया पर अब गुस्ताखियों के मामला आ गए और उम्मत के बच्चे और बच्चियां गुस्ताखाना तर्ज अमल में मुबतला हो रहे हैं उसका कोई हल नहीं है नंबर एक ईमान की मेहनत कुरान के जरिए और नंबर दो हजूर की मोहब्बत दिलों में पैदा होना हुजूर पर का एहतराम दिलों में पैदा होना और हजूर की तालीम को सीखकर उसको अपने अमल में लाने की कोशिश करना इससे कमतर पर बात नहीं सुधरेगी और फिक्र आखरत का मामला कल की जवाबदेही का एहसास तो हम कोशिश करें ये जज्बा लेकर यहाँ से उठें हम अपने घर में कोशिश करते हैं तहदीस नियमत के तौर पर छोटे बच्चे भी हैं वह के पैगंबर की सीरत की किताब पढ़ते हैं हम बाकायदा हमारे तनजीम इस्लामी में पूरा है कहते माँ घरेलू उसरे का रफ़ाए तंजीम भी आज उनका भी इज्त यहाँ पर था कराची जनूबी के रफ़ा का वो भी इस वक्त मौजूद हैं बायदा हमारे यहाँ तनजीम इस्लामी में घरेलू उस्रे की पूरी एक ट्रेमिनलॉजी कि अपने घर वालों को बिठाकर बीवी बच्चों को बिठाकर उनकी बच्चों की उम्र के मुताबिक अल्लाह अल्ला की किताब अल्लाह के पैगंबर की तालीम अल्लाह के नबी की तालीम अल्लाह के नबी की सीरत अल्लाह के नबी के दीन के तकादे अल्लाह के रसूल साम के तकादे ये बयान किए जाए घर के अंदर हम भी एहतमाम करते हैं कोशिश करें अल्लाह ताला मुझे और आपको इसमें मजीद आगे तौफीक अता फरमाए अब आइए इंग्लिश में हम कहते हैं नेवर सेटल फॉर द लेस और मैं अर्स किया करता हूं रादर गो फॉर द बेस्ट हम उर्दू में कहते खूब से खूब तरकी तलाश तो सुन्नत और सीरत में भी खूब तरीन की कोशिश करें ना तेईस बरस किस मकसद के लिए सुन्नत अल्लाह के नबी की दिखाई देती तेईस बरस सीरत किस मकसद के लिए दिखाई देती तेईस बरस का गम क्या था मोहम्मद मुस्तफ़ा का आसाम तेईस बरस की फिकर क्या थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की तेईस बरस की स्ट्रगल क्या थी मोहम्मद मुस्तफ़ा आसलम की तेईस बरस की जिद्द क्या थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की तेईस बरस के दौरान में कभी रब कहतेमिल्लील रात का क्याम कीजिए ताजिद की नमाज कभी रब फरमा दे फां खड़े हो जाइए लोगों को अल्लाह के आदाश से डराइए रब का फकबर और अपने रब की बड़ाई का बोलबाला कीजिए अल्लाह की मखरों को अल्लाह से जोड़ना रातों को अल्लाह से मांगना और पूरी पूरी रात आधी आधी रात एक तिहाई रात दो तिहाई रात पूरी पूरी रात का मामला रामदान के आखिरी अशरे में और उमूम में आधी रात एक तिहाई रात दो तिहाई रात और उम्मत का गम हुजूर को रुलाता था उम्मत का गम हुजूर को रुलाता था और कभी पूरी पूरी रात अल्लाह के रसूल एक आयत पर होते थे सूर्य की आखिर में जो ईसा का मुकालमा जो अल्लाह के सामने लतीफ़ अंदाज में ईसीम गुजारिश करेंगे वह एक पूरी रात अल्लाह के रसूल जमीन पर होते रहे इस उम्मत का गम लेकर इन तो फैन वही तक फिर फही नकाम तल अजीजी तेरे बंदे अल्लाह तू इनको आजाब दे, इन दे तेरे बंदे हैं यही सलाम सलामजा करेंगे यहां मुसर अहमद की रिवायत जमीन पर तेईस बरस के दौरान गुजरी जब अल्लाह के पैगम्बर इस गम के मारे रोए पूरी रात इन तो अजेब हूँ इनको अजाब दे तेरे बंदे हैं वहीजल हकीम और अल्लाह इनको तो अगर माफ कर दे तो अजीज है तेरा कोई इख्तियार है नो बड़ी कैन चैलेंज अथॉरिटी तो जो चाहे सो करे और तो अल हकीम है अल्लाह तो सबको माफ करने का फैसला भी कर ले तो अल्लाह तेरे फैसला हिकमत भरा होगा हर रात में हुमत के गम की मारे रोए हैं हुजूर का गम ये था रातों को रोते थे तो सीने मुबारक से ऐसी आवाज आती जैसे चूल्हे पर हंडिया खोल रही हो हमारी आंखें भी कभी न मोती ये गम हमें भी कभी दुलाता है हमारे गम कैसे गम है आईफोन 15 प्रो का कम फला महंगी गाड़ी का कम फला बड़े बंगले का कम फला मुल्क में सेटल हो जाने का कम बच्चों के इतने महंगे 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 स्कूलों में एडमिशन का कम ये ब्रांडेड कपड़ों का कम ये ब्रांडेड और चीजों का कम यही गम है ना हमारे कीड़े मकोड़े जितने गम और मोहम्मद और रसूलुल्लाह का गम इतना बड़ा गम है खुदा की कसम वो गम मेरा और आपका गम बन जाए बस ये बाकी जिनको हमने पहाड़ जैसा हम समझ रखा है खुदा की कसम वो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा में महसूस नहीं होंगे और तेईस वर्ष का अमल क्या है कुल हावी सबीर याद अला बसरतनी यूसुफ की आयत नंबर एक सौ आठ में ए नबी अलैहिस्सलाम फरमा दी मेरा रास्ता मेरा तरीका है मैं अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देता हूं पूरी बसरत यकीन कन्विक्शन के साथ मैं भी अमल कर रहा हूं इतबा गई और मेरी इतबा करने वाले भी अमल कर रहे हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है इतबा का सबसे बड़ा एक मैदान अल्लाह के रसूल की पैरवी करते हुए अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ दावत देना आज दावत तो सब दे रहे हैं। दुनिया जहां की स्मार्टफोन पर आती है फॉरवर्ड करते हैं कि नहीं क्या पढ़ा लिखा आदमी क्या गैर पढ़ा लिखा क्या बूढ़ा क्या जवान क्या मर्द क्या औरत क्या अर्बन का क्या रूरल का क्या शहर में रहने वाला क्या गांव में रहने वाला सब 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 फॉरवर्ड कर रहे हैं सब दावतें दे रहे हैं इसको देख लो फला को देखो ये देखो वो देखो हम तो उन्नति खड़े इसी काम के लिए किए गए बिल मारूफी वतन हू न अनिल मुनकर तुम बेहतरीन उम्मत तुम इंसानियत के लिए बर्पा किया गया तुम नेकी का हुक्म दोगे तुम बदी से रोकोगे हमें तो खड़ा इसी काम के लिए किया गया और हजूर खड़ा हुईस बरस खड़े रहे म फानजर पर खड़े रहे और में उम्मत को खड़ा करके गए फल उबलग शाहिदुलब आज तुम्हें से जो यहां पर मौजूद है उन लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा दे जो यहां पर मौजूद नहीं है वक्त फुर्सत कहा काम अभी बाकी है नूर तोहीद का इतमाम अभी बाकी यह तेईस बरस का एक रुख है अल्लाह की तरफ दावत और हर उम्मत ने काम करना है और सच्ची बात जो उम्मत ये काम नहीं कर रहा अपनी इस्तात अपनी सलाहियत अपने दायरे कार के अतबार से हजरात खवातिन सब जहन में रखें अपनी इस्तेदाद अपनी सलाहियत अपना दायरे का, जो उम्मती दावत इल्लाह का काम नहीं कर रहा सच्ची बात है कि वह उम्मती कहलाने का मुस्तक नहीं है उम्मत खड़ी इसी काम के लिए की गई और दूसरा तेईस बरस का मामला क्या है ये ताइफ क्यों सजा है ये शेब अभी तारीफ की मैसूरी क्यों है ये, ये बेतुल्ला को रोती आंखों सलविदा कहना क्यों पेश आ गया ये बदल में तलवार क्यों उड़ गई ये खून अथर क्यों बह गया ये तेईस बरस में दो सौ उनसठ जान साहबा की क्यों पेश हो गई एक मिशन अल्लाह तला ने दिया सूर्य सफ की आयत नंबर नौ भी सूर्य फदा की आयत नंबर अट्ठाईस भी सूर्य तोबा की आयत नंबर तैतीसवी और बिल्दा वीन अल हक के लिए दीन कुल्ली Allah जिसने अपने रसूल मुक्रम सला को भेजा अलहुदा मुकम्मल हदायतना हाँ। हाँ। हाँ हाँ पर गाली फरमा पिछले जुमे भी बात हुई थी नुसरत रसूल के जेल में सल्ला आज फिर याद हानी ये तेईस बरस की सुन्नत है अल्लाह के पैगम्बर की जिसके दौरान में फाके भी हैं पेट पर पत्थर भी हैं दो दो महीने घर में चूल्हा नहीं जला ये सब हम जानते हैं मगर बस जानते ही या मानते ही और मानने के बाद कुछ हमारा रुख जिंदगी बता रहा है कि हमें इस मिशन से मोहब्बत है आपकी मेरी जान आपका मेरा माल आपकी मेरे औकात आपकी मेरी सलाहियत आपकी मेरी औलाद आपकी मेरी एक्सपर्टीज क्या इस बेहतरीन काम में लग रहे जो रसूलुल्लाह का मिशन था आप और मैं ईमान रखे बैठे सबसे बेहतरीन जिंदगी उजूर की अल्लाह फरमाता लक लकों फिर रसोल्ला उस वत हसन इस काम के लिए मेरा और आपका वक्त कितना लग रहा है इस काम के लिए मेरा और आपका माल कितना लग रहा है इस काम के लिए मेरे और आपके घर वाले कितने इस्तेमाल में आ रहे हैं इस काम के लिए मेरी और आपकी एक्सपर्टीज कितनी लग रही मैं अपने अंदर झांकू आप अपने आप से पूछें क्या हमें वाकई हुजूर से मोहब्बत है क्या हुजूर के मिशन को हमने अपना मिशन समझा है क्या आज अल्लाह का मखलूब दीन देखकर हमें अकड़न होती है खासा खासा रसुल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके आज जब वक्त पड़ा है वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से पर देश में आज गरीबल ग्रबा है हमें कोई कोड़न भी होती अगर खुदा की कसम कोड़न भी है ना तो कुछ रमक बाकी है और हमें अपनी ही फिक्र है अपना ही पेट भरना अपने ही मामला को दुरुस्त करना अपना ही प्रोफेशन अपना ही करियर अपने ही बच्चे अपना ही घर यही फिक्र हमारी है तो ये क्या जिंदगी है चिड़िया भी घोंसला बनाती है बच्चे पाल लेती है बिल्ली भी बच्चों को पाल के बड़ा कर देती है ये कौन से कमाल की बात है ये तो बड़ा घटिया छोटा सा काम है माफ कीजिएगा बड़ा कमतर काम है फिर किस बात का हम दावा है बेहतरीन उम्मत बेहतरीन उम्मत तब जब बेहतरीन पैगंबर के बेहतरीन मिशन को इस्तेमाल करें और इख्तियार करें बल्कि और अपना तन मन धन उसमें लगाने की कोशिश करें यह है तो हब्बे रसूल का दावा भी ठीक यह है तो सुन्नत रसूल के पैरवी भी क्लैरिटी के साथ होगी दे के आई है। पहले खुदा की मेरे लिए बाद में आपके लिए है हम सब अपने अंदर झांके और अगर बारह रबी रवल की छुट्टी मना रहे हैं ना लोग तो चले गए लॉन्ग वीकेंड मिल गया आजकल तो बड़ा आसानी है ना तीन दिन दुबई निकल जाओ मलेशिया निकल जाओ इस्तांबुल चले जाओ ये हम कर रहे हैं काम और आगे वर्ल्ड कप लग गया जनाब उसकी टिकट उसका वीजा नहीं मिला तो कौन परेशान है कि इंडिया वाले में वीजा नहीं दे रहे ये उम्मत का ये दर्द है आज ये दर्द है उम्मत का वर्ल्ड कप का टिकट वीजा मुझे मिलना चाहिए मैंने वहां जाकर मैच देखना है वो जो झंडा लहराने वाले को मना कर दिया गया वो चाचा कौन सा क्रिकेट वाला बड़ी बेसि हो गई जनाब हमारे मुल्क की हमारा झंडा लहराने नहीं दिया ये उम्मत का दर्द है आज जिस उम्मत ने अल्लाह के रसूल का कलमा बलंद करना है अपना तन मन धन लगाना जिस काम के लिए जिस काम के लिए उम्म को खड़ा किया गया आज वो सोशल मीडिया की नजर हो जाए बेहंगम किस्म की सियासत की नजर हो जाए आज वो क्रिकेट की नजर हो जाए और दुनिया परस्सी की नजर हो जाए और फिर दावा करे कि हमें मोहब्बत और दावा करे कि हम हजूर को मानते हैं और चाहत रखे कि हमें जन्नत मिले तो हमें अपने इस तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए बड़ी कड़वी बातें आ गई अल्लाह मुझे और आपको हिम्मत दे कड़वी बातें सुन भी सकें और अपने अंदर झांक भी सकें और वाकूर से मोहब्बत करें फिर इसी बशारत पर बात मुकम्मल मन अहब्बस अहब बनी का नमाइल जन्ना जिससे मेरी सुन्नत से महब्बत की है ना हजूर फरमाते तिरमिजी शरीफ की रिवायत यकीन उससे मुझसे मोहब्बत की और जिससे मुझसे महब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा हमारे उस डॉक्टर सराज साहब का बड़ा प्यारा खिताब है ब्बे रसूल और उसके तकादे आदाब की आयात की रोशनी में उसका मुताला मताल इनशाला मुफीद रहेगा देख लीजिएगा वाखर उदावान और रबालमी